तो कैसे आप लोग लोग तब तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आप सभी को पता होगा आज इवेंट का आखिरी दिन है, तो कल इवेंट रिफ्रेश हो जाएगा। तो रिफ्रेश होने से पहले मैं आप सभी को एक इवेंट के बारे में बता दूं, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में सही से आप सभी को नहीं बताया था। तो स्किल मॉल में आप लोग देख सकते हो, मैंने हाइपर फ्यूरी लिया था, आप सभी को पता है। तो हाइपर फ्यूरी कितने बंदों ने मुझे कहा कि भाई मैं नहीं लूँगा, ये मतलब ये मूव उतना बढ़िया नहीं है, ये है वो है, मतलब अपना डायमंड बचाना है। कितने मेरे भाई ने भी ये कहा कि उसने कहा था शुरू में मैं नहीं लूँगा, फिर मैंने उसे कन्विंस करा, लेकिन फिर वापस उसने बोला मैं नहीं लूँगा। तो मैं आप सभी के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ जिसे लगता है हाइपर फ्यूरी अच्छा मूव नहीं है। तो हाइपर स्पेस फ्यूरी का मूव क्या है मैं सब बता दूँगा आज। तो चलिए फटाफट मैं आप सभी को ये बताता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही होगा, हाइपर फ्यूरी मूव काम करता क्या है, तो इसका काम क्या है गाइज, और इसे लेना चाहिए, मैं प्रीफर कर रहा हूँ आप सभी को। आप सभी ले सकते हो तो ले लो, अगर डायमंड्स नहीं तो कोई बात नहीं, अगर डायमंड्स है फिर भी आप नहीं ले रहे हो तो भाई क्या ही बोलूँ, ये बार बार नहीं आएगा। लास्ट टाइम ये आया था $25 टॉप अप करने में, आप सोच लो, अभी ये फ्री आ रहा है, कल को जाके ये फ्री ना आए, $25 गाइज मायने रखता है। $25 में आप VIP 4 हो जाओगे, तो उस हिसाब से आप समझ लो गाइज कितना मायने रखता है ये मूव। तो आज मैं इसका एबिलिटी बता दूंगा, ये मूव करता क्या है। तो मैं कोई सा भी एक फाइट चूज़ कर लेता हूँ, तो चलो मैं सबसे आखिरी वाला फाइट चूज़ करता हूँ और अपना होपा को यूज़ करता हूँ। तो चलिए हम होपा को यूज़ कर लेते हैं, और हमारे आगे है स्टील म्यूटू। तो देख सकते हो आप, हाइपर फ्यूरी का मतलब इफेक्ट थोड़ा कम पड़ता है, लेकिन हम पहले रिफ्लेक्ट यूज़ कर लेते हैं। ये रिफ्लेक्ट उसके अटैक को मैं कम नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ वो नेस्टी पॉइंट यूज़ करे, नेस्टी प्लॉट यूज़ करे। तो चलिए देखते हैं वो कितनी देर में नेस्टी प्लॉट यूज़ करता है। भाई कर ले भाई, फिर से रिफ्लेक्ट, यस। तो देखिए गाइस, उसने नेस्टी प्लॉट यूज़ करा और उसका स्पेशल अटैक +2 हो गया। अब हाइपर फ्यूरी का काम देखो क्या है, ठीक है। तो हम हाइपर फ्यूरी यूज़ करें तो बूम गाइस, आप देख सकते हो हमारा स्पेशल अटैक +2 हो गया, उसका स्पेशल अटैक +2 हट चुका है। तो गाइस, हाइपर फ्यूरी का काम यही होता है, अगर आपके ऑपोजिट वाले बंदे के पास कोई सा भी स्पेशल अटैक प्लस हो गया, या फिर अटैक प्लस हो गया, स्पीड प्लस हो गया, या डिफेंस माइनस हो गया, कुछ भी गाइस, तो अगर आप हाइपर फ्यूरी यूज़ करते हो तो उसका वो एबिलिटी सारे के सारे आपके पास आ जाएंगे, और उसका मतलब नॉर्मल वो फिर से वापस से नॉर्मल हो जाएगा। तो गाइस, ये एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा काम देता है। अगर समझ लो गाइस, आपके पास आपके ओपोनेंट ने कायगर लिया और कायगर से उसने काम माइंड यूज़ करते 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 +6 कर लिया, अपना स्पेशल अटैक और स्पेशल डिफेंस +6 कर लिया, तो स्पेशल अटैक और स्पेशल डिफेंस दोनों प्लस यूज़ कर लिया, और आपका एक पोकेमॉन को मार दिया, और आपका एक पोकेमॉन को मारते ही आपने चेंज कर लिया होपा में। तो होपा में चेंज करते ही आपका प्लस पॉइंट क्या होगा कि आप पहले अटैक कर पाओगे, क्योंकि होपा का एबिलिटी आपको पता ही है ट्रिक रूम, तो ट्रिक रूम से आप पहले अटैक यूज़ कर पाओगे, और जिसके कारण आप पहले यूज़ करोगे और आप हाइपर फ्यूरी यूज़ करोगे, हाइपर स्पेस फ्यूरी यूज़ करोगे, तो कायोगर का +6 स्पेशल अटैक और +6 डिफेंस स्पेशल डिफेंस दोनों आप में आ जाएगा। तो स्पेशल अटैक और स्पेशल डिफेंस दोनों अगर होपा में आ गया तो समझ लो होपा कितना बीस्ट बन जाएगा गाइस, और उसके बाद आप हाइपर स्पेस फ्यूरी से आराम से किसी भी पोकेमॉन को मार लोगे। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही था, हाइपर स्पेस फ्यूरी कितना पावरफुल अटैक है मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग ले सकते हो तो गाइस, मैं बोलूँगा डायमंड मत देखो, मैंने भी डायमंड नहीं देखा था, आप भी मत देखो, डायमंड कलेक्ट हो जाएंगे लेकिन हाइपर फ्यूरी नहीं मिलने वाला दोबारा। तो गाइस, मैं आप सभी को बहुत ही रिकमेंड कर रहा हूँ, हाइपर स्पेस फ्यूरी ले लीजिए। और कल कौन सा इवेंट आने वाला गाइस, कल जहाँ तक मुझे पता चला है एडमिन ने पोस्ट करा था
कल इवेंट आने वाला है विफ सेक्शन बाउचर का, नॉर्मल पोकीमंस, नॉर्मल पोकीमंस है, जैसे कि आप लोग ये देख सकते हो ये सारे नॉर्मल पोकीमंस है, तो यही सब पोकीमन आने वाले हैं जिसमें से मैं लग्जरी लेने वाला हूँ। मैं आप सभी को प्रीफर करूँगा लग्जरी लो, क्योंकि बाकी सब पोकीमन ऐसे भी नॉर्मली आपको मिल जाते हैं। तो गाइज आप लोग अगर प्रीफर करोगे तो विप सेक्शन बाउचर में आप सभी को ये सारे पोकीमन मिल जाएंगे। और कॉफ़ी एंड नट्स में अभी तक अपडेट नहीं आया है, एडमिन ने कुछ अपडेट नहीं दिया है, तो कॉफ़ी एंड नट में कल क्या आएगा नहीं पता, विप सेक्शन बाउचर आएगा नहीं आएगा वो भी नहीं पता। और जितने आपने विप सेक्शन बाउचर कलेक्ट करे हैं तो वो आपके पास है भाई, उसे बहुत ही सही से इस्तेमाल करना, क्योंकि विप सेक्शन बाउचरों का इवेंट इतना जल्दी नहीं आता। तो जितने भी आपके पास है बहुत ही संभल के इस्तेमाल करना। और कल के आपको मैं बता ही दिया हूँ कल कौन कौन सा पोकेमॉन आ रहा है, मैं तो लग्जरी लेने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास वो नहीं है और मुझे मेरा पॉकेटडेक्स भी बनाना है, तो इसीलिए मैं लग्जरी लूँगा। अगर आप लोग को लेना है कोई सा पोकेमॉन तो प्रीफर कर सकते हो, लेकिन देख लेना वो और बाकी सब पोकेमॉन नॉर्मल ना हो, जैसे कि आपको वंडरलैंड में मिल जाएगा, आपको सफारी में मिल जाएगा, तो वो सब पोकेमॉन ना ले क्योंकि आपको वो नॉर्मली मिल जाएगा। और बस मैं तो लग्जरी लेने वाला हूँ। और गाइस कॉफ़ी एंड नट का अभी तक तो अपडेट नहीं आया, वरना मैं आप सभी को बता देता। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, होप यू लाइक द वीडियो गाइस। तो अगर हाइपर फ्यूरी नहीं लिया तो गाइस ज़रूर से जाके चेकआउट करो, हाइपर फ्यूरी कितना बढ़िया मूव है। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म कर देगा गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कर दो यार, और सब्सक्राइब नहीं करते हो यार आप लोग, बहुत ही कम सब्सक्राइबर बढ़ रहे, धीरे धीरे बढ़ रहे। मैं चाहता हूँ फिर से 1000 सब्सक्राइबर पहुँचे और फिर से मैं VIP गिव अवे करूँ, तो फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर दो गाइस। तो होप यू लाइक द वीडियो।